हेलो वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बाद लिब्रा बेस डेटाबेस की बात करेंगे और उसमें बहुत सारी चीजें तो हम सीख चुके हैं। देखिए लिब्रा बेस डेटाबेस के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस मैं डाल चुका हूं, जिसमें बहुत सारे वीडियोस को आपने लाइक भी किया है और काफी अच्छी लगी है आपको वीडियो, तो उसी को लेकर के फॉर्म में कन्वीनियंट हमें काफी हो जाती है। अगर हम फॉर्म भराते हैं किसी भी डेटाबेस में तो उसमें हमें कन्वीनियंस बहुत ज्यादा मिलती है, तो उस कंडीशन में हमें फॉर्म भी बनाना चाहिए। तो क्या इसमें भी फॉर्म बनाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे बनेगा लिब्रा बेस डेटाबेस में? तो यहाँ पे सबसे पहले लिब्रा ऑफिस को ओपन कर लेता हूँ। लिब्रा ऑफिस के ही अंतर्गत आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलते हैं, लाइक राइटर डॉक्यूमेंट है, कैल्क स्प्रेडशीट है, प्रेस प्रेजेंटेशन है, यहाँ पर दिया गया है ड्रॉइंग, फिर मैथ फॉर्मूला, बेस डेटाबेस। हमें कहाँ जाना है? राइटर में जाना है? नहीं, हमें डेटाबेस सीखना है, तो यहाँ बेस डेटाबेस पे कर दीजिए। जैसे क्लिक करते हैं तो ये एक विंडो ओपन होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या हुआ है, क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, ठीक है। हमने न्यू डेटाबेस बनाना है, हम कोई पहले का डेटाबेस यूज नहीं करना चाहते, हम नया ही डेटाबेस बनाएंगे, तो यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये पूछ रहा है कि क्या इसको आप रजिस्टर करना चाहेंगे, तो हम अभी फिलहाल रजिस्टर नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ से फिनिश पे करेंगे। जैसे ही फिनिश करते हैं तो ये कहता है देख रही इसको, तो इसको मैसेज कर लेता हूँ स्टूडेंट डी के नाम से, स्टूडेंट स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है। अब जब सेव कर लेते हैं तो एक सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। अब यहाँ तीन ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल और क्रिएट व्यू, ठीक है। इस तरीके से तीन चीजें दिख रही है, तो फिलहाल अभी हमें क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट का नाम होगा, तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है। ध्यान से देखते रहिए, एक चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारा डेटा टाइप मिलता है, देख रहे हैं कितने सारे डेटा टाइप आपको मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हीं में से कोई एक चूज करना है। देखिए यहाँ पर आपको टीनी इंटीजर मिलता है, टीनी का मतलब होता है छोटा, बिग का मतलब होता है बिग, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ये बड़ा इंटीजर है, ये छोटा इंटीजर है, ये इमेज है, ये बाइनरी है, यहाँ पे बाइनरी फिक्स है, यहाँ पे मेमो है, यहाँ पे टेक्स्ट है, तो जो आपको मिलता है। हमें सक्सेस में भी टेक्स्ट डेटा टाइप आपको मिल जाता है 2007 में। यहाँ पे नंबर यानी कि न्यूमेरिक डेटा टाइप है, डेसिमल दशमलव वाले, इंटीजर दिया हुआ है, फिर स्मॉल इंटीजर दिया हुआ है, बहुत सारे डेटा टाइप, और कोई डेटा टाइप तो रिपीट भी हुआ है, फ्लोट यानी दशमलव वाले, ठीक है, रियल है, फिर डबल है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट है, वेरकैर है, तो बहुत सारे डेटा टाइप मिलते हैं। तो हमें यहाँ पर फिलहाल टेक्स्ट वेरकैर कर देना है, ठीक है, वेरकैर कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट के क्लास की बात कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्लास लिखा है। अच्छा क्लास क्या होगा, टेक्स्ट वेरकैर होगा, इंटीजर होगा, क्या होगा, क्लास 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही होता है ना, तो इसके लिए हम नंबर रख सकते हैं। नंबर के अलावा आप चाहे तो वेरकैर भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये हो गया क्लास को हमने क्या दे दिया, वेरकैर दे दिया। अब हमें रोल नंबर देना है, रोल नंबर लास्ट में भी दिया जा सकता है, यहाँ पर भी प्राइमरी की, कंपोजिट की और फॉरेन की और कैंडिडेट की और सुपर की, इन सब कीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज होता है। कैसे यूज होता है, कहाँ पर, अगर हमें प्राइमरी की बनाना है कैसे बनेगी, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर। आपको पता है कि रोल नंबर जो है प्राइमरी की हो सकती है, क्योंकि रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिटी देता है किसी भी स्टूडेंट को, यूनिक आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, अनोखा होता है, एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट को रोल नंबर एक क्लास में किसी स्टूडेंट को अगर रोल नंबर 1 दे दिया गया तो उसी क्लास में उसी दूसरे स्टूडेंट को रोल नंबर 1 दिया जाएगा, नहीं, रोल नंबर दिया जाएगा तो अलग ही दिया जाएगा, सेम स्टूडेंट को सेम रोल नंबर दिया जाएगा और फिर अदर स्टूडेंट को दूसरा रोल नंबर दिया जाएगा। तो ये यहाँ से राइट की, देखिए प्राइमरी की यहाँ से भी आप बना सकते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप प्राइमरी की बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर राइट क्लिक करके प्राइमरी की बना लेते हैं। तो ये देखिए प्राइमरी की, प्राइमरी की का क्या मतलब है, प्राइमरी की का मतलब यूनिक की, ठीक है। यहाँ से फील्ड प्रॉपर्टी जो आपको एक्सेस में भी दिखाई पड़ती थी वो यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर लेंथ वगैरह सेट कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, यहाँ से डेटा को अपने सेव करते हैं, ठीक है। टेबल वन आ रहा है, हम चाहे तो इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया, टेबल वन के ही नाम से सेव कर दिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग पूछते हैं डिस्क्रिप्शन में क्या डालने का, तो डिस्क्रिप्शन में हम इसके बारे में डाल सकते हैं कि नेम किस प्रकार का डेटा टाइप है। ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट है, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है ना, सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ओके, ये मैंने लिख दिया सेट ऑफ कैरेक्टर्स, मीन नेम ऑफ स्टूडेंट का सेट ऑफ कैरेक्टर्स होगा, या इसी तरीके से रिलेटेड आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, क्लास में क्या होगा, क्लास में नंबर हो सकता है, ठीक है, टेक्स्ट भी हो सकता है। तो हियर यू कैन राइट दैट दिस फील्ड कंटेन नंबर एज वेल एज टेक्स्ट आल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दिस फील्ड, देखिए मैं लिख के भी लिखा देता हूँ, दिस फील्ड एफ आई ई एन डी, ओके। तो ये हो गया हमारा, समझ में आ रहा है। तो ये इस तरीके से, और यहाँ रोल नंबर है, आप देख सकते हैं रोल नंबर,
यहां से उसको सेव कर लिए, सेव कर दिया, डेटा हमारा सेव हो गया, ठीक है। सेव करने पर क्या करना, अच्छा ये फील्ड जो हमने डाला यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये जो है हमारे डेटाबेस में किसी तरीके से शो नहीं करेगा, ये सिर्फ बताने के लिए कि ये किस तरह का है, डेटा ही किस तरह का है, इसके लिए मैंने लिख दिया, ये फील्ड किस तरह की है इसके लिए लिख दिया। अब इसको बंद किया, यहाँ पे टेबल वन आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप टेबल वन में एंटर भी करवा सकते हैं, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट में राम कर दिया हमने, यहाँ पर क्लास कर देते हैं, तो क्लास यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे 5 6 7 8 क्लास 8 कर देता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर 1 कर दिया, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे श्याम कर देते हैं, अच्छा रोल नंबर को यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 12 कर देते हैं, 12 ठीक है, ये 12 कर दिया, और यहाँ पे रोल नंबर क्या करता हूँ 1 कर देता हूँ, क्या 1 को रिपीट कर सकते हैं, 1 को हमने प्राइमरी की बना दिया तो रिपीट नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं, तो ये रिपीट नहीं होगा रोल नंबर, ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आप 2 करेंगे 1 नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे क्लास बी सेव कर देते हैं, एटी कर देते हैं, क्लास एट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास ए, कुछ इस तरीके से हो गया, फिर यहाँ रोल नंबर 3 आएगा, फिर यहाँ पे लिख देता हूँ एम ओ एन यू, एक और स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ, फिर क्लास सेव रखेंगे वी आई आई, ये लिख दिया वी आई आई, ये हो गया क्लास ए, ओके ये हो गया, यहाँ पर आएंगे तो 3 हो जाएगा, समझ आ रहा है 3, ये हो गया ना, अब यहाँ से क्या करना है, इसको क्लोज करना है, तो यहाँ से क्लोज कर देते हैं, तो ये जब देखेंगे ना तो ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा, देख रहा है ना, यहाँ तक तो समझ में आ रही बात है, इसको शॉर्ट करना चाहते हैं ए टू जेड के क्रम में, तो यहाँ से शॉर्टिंग मिल जाता है आपको, शॉर्ट कर देंगे तो देखिए डेटा अपने आप यहाँ बदल जाता है, ठीक है, तो ए टू जेड के क्रम में शॉर्ट करना चाहते हैं, नंबर में शॉर्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ से जाकर के देखिए ये जेड टू ए हो गया, ये ए टू जेड हो गया, तो जैसे भी शॉर्ट करना है यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, समझ आ रहा है, तो यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, फॉर्म बनाना है, क्वेरी नहीं बनानी, फॉर्म बनाना है, क्वेरी भी बना सकते हैं, क्वेरी बनाना मैंने बताया, तो क्वेरी कैसे बनेगी, क्वेरी यहाँ पे जाकर बनेगी, यहाँ पे क्वेरी दिख रहा है, यहाँ से जाके क्वेरी बना लेंगे, लेकिन आज का टॉपिक फॉर्म बनाने को है, फॉर्म बनाने को लेकर के हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप फॉर्म पे जा सकते हैं, तो ये फॉर्म पे आ गए, अब जैसे ही फॉर्म पे आते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू, और यहाँ पे दिख रहा है यूज विजर्ड टू क्रिएट फॉर्म, तो हम विजर्ड का यूज करेंगे, तो ये विजर्ड पे क्लिक किया हमने, जैसे ही विजर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इस तरीके से मिलेगा, दिखाई देगा, जो हमने फील्ड लिए थे वो आपको दिखाई देगी, ये देखिए टेबल वन में ये फील्ड लिया था हमने, स्टूडेंट नेम लिया था, फिर क्लास लिया था, फिर रोल नंबर लिया था, तो ये तीनों ही फील्ड हमने ले लिए, यहाँ पर आएंगे अगर कोई सब फॉर्म, देखिए सब फॉर्म की बात हम बात करेंगे, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, फिलहाल हम इसको नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ से लुक इसको किस तरह का देना है, ब्लू देना है, ये जो लुक दिख रहा है वैसा लुक चाहिए, अलग चाहिए, डार्क चाहिए, ऑरेंज चाहिए, कैसा चाहिए वो देख लीजिए, जो भी लुक आपको पसंद आता हो वो लुक आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, तो मान लीजिए ये लुक हम ले लेते हैं, ठीक है, और 3D करते हैं, अगर हमें बॉर्डर चाहिए तो बॉर्डर भी ले सकते हैं, ठीक है, ये नो बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर को हटाना चाहिए तो बॉर्डर हटा भी सकते हैं, लेकिन हमें बॉर्डर चाहिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये आगे आगे बढ़ के अब यहाँ पर टेबल वन नाम आ रहा है, हम इसको नाम दे देते हैं माई फॉर्म, माई फॉर्म ये दे दिया हमने नाम, ठीक है, और यहाँ पे मॉडिफाई, मॉडिफाई पे जा सकते हैं या आप वर्क विद फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं सीधा, चलिए क्लिक कर देते हैं, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपके सामने, देख सकते हैं ये आपका फॉर्म क्रिएट हो गया है, आप चाहे तो आप फॉर्म में एंटर करवा सकते हैं, यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे सोलो लिख दीजिए एस ओ एन यू, ठीक है, और यहाँ पे क्लास एट लिख दीजिए, ये इस तरीके से है ना, ये हो गया, यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा, तो ये 4 कर दिया हमने, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं, ठीक है, तो ये सेव ऑलरेडी है, तो इस तरीके से आप ये करेंगे, उम्मीद करता हूँ कि फॉर्म कैसे बनाया जाए ये बात क्लियर हो गई होगी, और फॉर्म से व्यू जो है काफी ऑब्वियस हो जाता है, काफी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, ठीक है, तो आगे की आने वाले वीडियोस में रिपोर्ट और क्वेरी पर भी ब्रीफ डिस्कशन करेंगे लिब्रा बेस्ड डेटाबेस में, और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट में बताइए, और आगे की वीडियोस के लिए भी मुझे बताइए, तो मैं आपको आगे की वीडियोस भी दूंगा इसमें की बना करके, ठीक है, और अगर लाइव आने की बात करेंगे तो लाइव आकर के भी बता दूंगा, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।